राधे राधे, गुड जय श्री मॉर्निंग, कैसे हो? कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और क्या ही व्यू आई, वो सामने बर्फीले पहाड़। बाकी भाई कुछ कुछ पैचेस जो हैं बीच बीच में खराब मिलेंगे, बाकी रोड ऐसा ही मिलेगा भाई। वाटर क्रॉसिंग है क्या भाई? रिवर क्रॉसिंग है भाई, बंद हो गई गाड़ी। बाकी चलिए रुकते हैं, आराम करते हैं, थोड़ा रेस्ट देते हैं बाइक को भी, क्योंकि बाइक भी भाई काफ़ी बहुत चल चुकी है भाई। विच सिटी? ग्वालियर। एमपी? ग्वालियर। नो दैट फॉर श्योर। यस, कम यार। यस ओके। तो भाई चढ़ाई हो रही है बाइक की, देख सकते हैं जिस प्रकार से आप, 20 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, 20 की स्पीड पे। और बाकी नज़ारे देखिए भाई, चेंज होते जा रहे हैं पहाड़ भी चेंज। यहाँ पे लद्दाख पुलिस पोस्ट टांगसे में पुलिस चेक पोस्ट मिलेगा आपको। सलाम अलैकुम, जय श्री राम, जय श्री राम, सत श्री अकाल। गाड़ी नहीं बैठ रहा भाई, तुमसे दवा की पिया भाई, क्योंकि नज़ारा पेंगोंग लेक का भाई पहला नज़ारा खूबसूरत लेके भाई, क्या ही बया, मतलब बयान नहीं कर सकता मैं अपने मुंह से इसकी तारीफ। दिल्ली, वाराणसी, आगरा, मथुरा, वृंदावन, जयपुर। अभी शिव के यहाँ से कोई जगह है, शिव शायद कहाँ होगा, वो 3 किलोमीटर दूर रह गया यहाँ से। बाकी भाई देखिए वो बर्फ भी लगा भाई ऐसे भाई, क्या ही भाई कितनी बर्फ जमी हुई है उन्होंने, और नीचे की तरफ भी गिरती हुई ऐसी लग रही है। हाँ अभी तो भाई चढ़ाई हो रही है बाइक की, देख सकते हैं जिस प्रकार से आप, 20 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, 20 की स्पीड पे, क्योंकि पेंगोंग के रास्ते में भी चढ़ाई मिलेगी पता नहीं था भाई। भाई शिव के लिए इस रास्ते से ले पेंगोंग के लिए सीधा जाना है, पेंगोंग 55 किलोमीटर दूर रह गए यहाँ से, मतलब पेंगोंग लेक जो फर्स्ट गांव है, 3 गांव पड़ते हैं, वो लास्ट वाले पे हमको जाना है। भाई हम नदी उस तरफ जा रही है हमारे अपोजिट, और हम इस तरफ जा रहे हैं उसके अपोजिट। ये श्योक रिवर है जो पाकिस्तान की तरफ जाती है, अभी थोड़ा दूर 50 किलोमीटर की समथिंग रह गई है पेंगोंग लेक यहाँ से। और बाकी नज़ारे देखिए भाई, चेंज होते जा रहे हैं पहाड़ भी चेंज होते जा रहे हैं भाई, अभी तो बिल्कुल पत्थर वाले पहाड़ आ चुके हैं, क्या भाई जो रील्स में देखा करते थे भाई, रील्स में देखते थे वो आज रियल में देख रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं डुरबुक, और पाइंस से यहाँ से 5 किलोमीटर पर है, और यहीं से रास्ता पेंगोंग लेक का है, और एक और रास्ता मिला था तेरा, वहाँ से राइट सीधे जाने पर ले और खारू का रास्ता था, बाकी ये रास्ता जाता है पेंगोंग लेक। और रास्ता जो है अभी देख सकते हैं हम लोग काफ़ी चौड़ा आ चुका है, आराम से 2 व्हीकल से एक साथ निकल सकते हैं। तो यहाँ पे लद्दाख पुलिस पोस्ट टांगसे में पुलिस चेक पोस्ट मिलेगा आपको, और साथ ही में उसके जस्ट इधर देखोगे तो आप लोग को पेट्रोल पम्प भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग फिल करा सकते हो यहाँ पे भी पेट्रोल पम्प, उसके बाद शायद से ना मिले, हाँ अनले में या न्यूमा में मिलेगा, तो अभी हम पेट्रोल फिल करा रहे हैं। और जो कोई एंट्री हुई वो नॉर्मल एंट्री हुई है, अभी तक इन्वायरमेंट फीस जो स्लिप थी PDF थी वो चेक नहीं हुई है, सिर्फ वहीं पे चेक हुई थी खालतूंग से पहले, बाकी अभी तक कहीं नहीं हुई नॉर्मल एंट्री। भाई गाड़ी नहीं बैठ रहा भाई, तुमसे दवा की पिया भाई, क्योंकि भाई कल 631 पर डलवाया था पेट्रोल, और अभी आज हो रहा है 749, मतलब 120 किलोमीटर चल चुकी है, 120 किलोमीटर में 300 रुपये का,
भाई बहुत पेट्रोल खा यार, मतलब बहुत कम एवरेज दे रही है, 50 का एवरेज नहीं मिल रहा है गाड़ी का। सर्विस मांग रही भाई गाड़ी, फिल्टर विल्टर से साफ़ करना पड़ेगा भाई, क्या करें आप तो मिलिंडा हो गई सर्विस होगी इसकी। एक लीटर हो गई मात्र 40 का एवरेज दे रही है भाई, बहुत कम एवरेज दे रही है गाड़ी मेरी, तो हालत खराब है। अब पेट्रोल डालने लगे इसमें, अब तक उमलिंगा नहीं होता, क्या कर सकते हैं, सर्विस भी नहीं करा सकते, कोई मिलेगा ये सर्विस कहीं तो भी यहाँ से लुकें 18 किलोमीटर, मन 35, फिर 70, 100 गत से 90। भाई कैसे कैसे नाम है तो भाई अभी रुके हुए हैं और 120 किलोमीटर समथिंग आ चुके हैं हम वहाँ से, और टाइम हो रहा है 2:05। भाई नींद आ रही थी और रेस्ट भी दे थोड़ा, बाकी ये देखिए भाई भाई फोटोशूट वगैरह करते हैं यहाँ पे और रील वगैरह बना लेते हैं भाई। तो चलिए भाई निकलते हैं यहाँ से, मुश्किल से 10 मिनट रुके होंगे आराम करने के लिए, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा और नींद भी आ रही थी, फोटोशूट वगैरह रील्स वगैरह बना ली यहाँ पे। बाकी यहाँ से देखते हैं थोड़ी दूर पर रह गया है जो पहला गाँव है ना लोगों वो, तभी इस पांग के लिए राइट, चुसल के लिए राइट, हॉट स्प्रिंग के लिए 91 लेफ्ट, चार्ट से लेफ्ट। तो भी ये जो क्या कहते हैं अभी हॉट स्प्रिंग जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा और हॉट स्प्रिंग है, फीगो वैली फीगो हॉट स्प्रिंग भी है और चुमा थांग हॉट स्प्रिंग भी है, पता नहीं है भाई कौन सा है, चलिए देखते हैं भाई। बाकी पेंगोंग लेक यहाँ से दिख रही है भाई, ऊपर से दिख रही थी, हमें नीचे उतर रहा था भाई, गोप्रो ही हैंग हो गया यार, वीडियो शूट कैसे करता हूँ। अभी फिर मैंने गाड़ी रोक के बैटरी उस डिटैच करके फिर से दोबारा लगाई, तब जाके ये दोबारा से कराया। तो ये फोबरांग गांव है, मॉडल विलेज है। बाकी ये देखिए भी नज़ारा पेंगोंग लेक का भाई, पहला नज़ारा भाई, क्या भाई व्यू है भाई, एक नंबर पेंगोंग लेक भाई, क्या ब्लूइश, और बीच में सर डार्क ब्लू और साइड में लग रहा है स्काई ब्लू कलर, और भाई इसको देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं भाई, दुनिया भर से और इंडिया से भी भाई, हर कोने से इसको देखने आते हैं भाई, बाइक राइड करके टूरिस्ट ट्रेवल कार बस से भाई इसको देखने आता भाई। देखो कलर बिल्कुल डिफरेंट भाई, देखिए दो कलर दिखाई दे रहे हैं अभी तो, जस्ट अमेजिंग। भाई पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक, क्या ही व्यू भाई, क्या ही कलर भाई, एक नंबर भाई। यहाँ पे है भाई दुनिया भर से और भारत से भाई, दूर दूर से यहाँ पे ये देखने के लिए आते हैं भाई लोग, अब बाइक राइड करके और कार से बस से ट्रेवल करके देख सकते हैं। ये वो लेक है भाई, क्या ही खूबसूरत लेक है भाई, क्या ही बयां, मतलब बयां नहीं कर सकता मैं अपने मुँह से इसकी तारीफ, एक नंबर है भाई। और इसका कलर देखिए आप लोग, ये इस तरफ किनारे साइड थोड़ा ग्रीनिश टाइप में है, और जब उधर देखोगे ना थोड़ा अंदर की तरफ तो वो डार्क ब्लू एकदम भाई, क्या ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ जमी हुई ब्लू भाई, गजब, क्या ही एक नंबर भाई। इस झील का जो 40% हिस्सा है वो भारत में है, लद्दाख में, भारत के लद्दाख में स्थित है, और जो 50% हिस्सा है वो चीन, जो वो तिब्बत में जो कि चीन प्रशासित प्रदेश है, और 10% जो हिस्सा है वो विवादित है, डिस्प्यूटेड है। बाकी ये झील जो सर्दियों के टाइम में ना भाई जम जाती है, जो इसमें नमक भी मिला हुआ है, सॉल्ट लेक है, तो इसमें सर्दियों के में जम जाती है और इस पर चला जा सकता है सर्दियों के टाइम में, और ये भारत के लद्दाख से होते हुए तिब्बत में जो पहुंच जाती है ये बहती हुई। और ये कुछ जानकारी थी भाई इस लेक की, बाकी भाई नज़ारे आपको शॉर्ट्स मिल गए होंगे वीडियो में, क्या ही व्यू है। बाकी फ़ोटो वोटो रील्स वगैरह बना लेते हैं अपने कंटेंट रील्स इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे कॉमन ब्लॉगर चैनल के नाम से, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना भाई, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, तो आपको रील्स वगैरह बढ़िया बढ़िया व्यू जो होते हैं भाई वो मिल जाएंगे आपको। देखिए भैया मिले हैं यूक्रेन, यूक्रेन से जुले जुले लद्दाखी लैंग्वेज में जुले, ये जुले, तो हाय
Julia. Hi guys. Hello. Yeah, I just want to ask, do you know the way to Pangong Tso? Yes. Some words for India. Assalamu alaikum, Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Ram Ram. Ram Ram. Radhe Radhe. Yeah, Radhe Radhe. How's the people? All the best, all the best. How's people India is? Oh, incredible. That's why I came in here second time and not the last time. Yes. And so different. I like all the parts and mountains and religious stuff in Rajasthan, palaces. Super pure country. Yes. Like, yeah, incredible. And the most brilliant part here, that's the people. People, I met so hospital people. Like, yeah, all the countries when I traveled to, I found the Indian Hospitality Bureau highest one. Really. That's why we are not with you. That's where you are. Yeah. All about it. Traveling outside of Ukraine already 5 years. I'm just traveling 5 years in Asia. Second time in India. Last time 6 months ago. I did 3 months trip. Mm. Yeah, through Delhi, Varanasi, Agra, Mathura, Vrindavan, Jaipur, Dudu, Pushkar, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Mumbai. Kochi, Kolam, Trivandrum, Varkala, Amritsar, Rishikesh, Mussoorie, Lucknow, Trichy. You know Gibraltar of India? Gibraltar of India. What do you mean? What was that? Where I belong, Gwalior City, Madhya Pradesh, India's third largest fort. Hmm. Which city? Gwalior, MP. Gwalior. No, never sure. Yeah, come here. Yeah, okay, I will for sure. Very beautiful, yeah. And historical. Which part of India is it? MP, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh. Gwalior, Agra, just 100 kilometer, just 100 kilometer away from Agra. From Agra. Yes. Wow, so close. Huh, so close. Cool. I was so close. अच्छा काफी मिल के इनसे यूक्रेन से हैं या तो चलिए चलते हैं. Okay, now we can handshake. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. भाई काफ़ी टाइम बात कर ली उनसे भाई, काफ़ी मज़ा आ गया भाई. थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश मैं ही बोल रहा था, पर भाई परफेक्ट इंग्लिश नहीं आती भाई. थोड़ा बहुत सीख गए, जितना सीख गए मतलब बोल लेते हैं भाई, समझ में आ जाता सामने वाले की लैंग्वेज क्या बोल रहा है इंग्लिश में, और अपन भी उसको रिप्लाई कर देते हैं उसी लैंग्वेज में. मज़ा आ गया. और भाई वो काफ़ी तारीफ कर रहे थे इंडिया की, आगरा मथुरा सब हो गए, वो वाराणसी राजस्थान जैसलमेर वगैरह वगैरह. तो अभी नीचे की तरफ उतर रहा है, यहाँ पर लेक की तरफ पास में, जहाँ पर ऑल इज़ वेल जो गाना है 3 इडियट्स का, उसकी शूटिंग हुई थी. ऑल इज़ वेल, यहाँ पर वो 3 बम्स रखे हुए हैं और साथ में स्कूटर, उस पर भाई फ़ोटो और वीडियो तो बनता ही है भाई. इतनी दूर आए हैं खर्चा करके भाई, इन पे फोटो और वीडियो नहीं लिया तो भाई क्या ही बात है. तो ये सेल्फी पॉइंट और फोटो सीनरी, स्टार गेजिंग एट पेंगोंग. भाई आ चुके हैं उस स्पॉट पे जहाँ पर 3 इडियट्स और ऑल इज वेल सॉन्ग की शूटिंग हुई थी. ये देख सकते हैं हिप्स रखे हैं और ये स्कूटर. तभी पास से नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको इस लेक का. ओ भाई क्या क्लियर है भाई, क्या क्लियर पानी है भाई, नीचे दिख रहा है साफ, बड़ा पत्थर दिख रहे हैं. ओ भाई ये बर्फ रखी है भाई, भाई पानी बहुत ठंडा रखा है भाई. देखो इसका कलर ना चेंज होता रहता है, ब्लू ग्रीन रेड, इन तीनों कलर के लिए डिफरेंट टाइम्स में वो चेंज होता रहता है टाइम्स के अकॉर्डिंग. बाकी देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लग रहा है. बट देन उधर देखोगे ना आप लोग थोड़ा ग्रीनिश और ब्लू, और सबसे सेंटर में लगता है बिल्कुल डार्क ब्लू. तो भाई ये ड्रम्स पे और फोटो और खिंचाना है खड़े होके, या ये मतलब साइड में जो 3D के द्वारा फिल्म में शूटिंग के द्वारा दिखाए गए थे ये, और ये हिप्स, ये 50 रुपीज़ पर्सन, ये भी 50 रुपीज़ पर्सन, मतलब 3 लोग एक साथ बैठेंगे तो 150 रुपये लगे आपका, और ये एक जना स्कूटर पर बैठेगा तो 50 रुपये. फोटो खिंचाने हैं, वीडियो खिंचाने हैं, वीडियो बनानी है 50 रुपये लगेंगे. तो ऐसे करके आप लोग तीनों को करेंगे तो एक जन का 150 रुपये लग जाएगा, दो का करोगे तो 100 रुपये लगेगा, और एक का तो 50 का है. ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी भैया की,
तो अभी यहाँ से निकलते हैं अपन और कैंपिंग साइट, वहाँ यहाँ से पूछा अंकल से, वो गांव है ना वहाँ पे कैंप लगा लेंगे अपना, बढ़िया पास्ता बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी कैंपिंग नाइट आज की। थोड़े ही पास में कैंपिंग के लिए उतरे थे भाई कि यहाँ पर टेंट लगाएंगे, बस ये जो टैक्सी है गाड़ी फंस चुकी है, देख सकते हैं रेत भी है और पत्थर भी है, तो निकलवाते हैं धक्का लगा के। गाड़ी निकल चुकी है भाई, धक्का लगा दिया तो अब बैग बैग में लेके निकल जाएगी। अभी हम भी बैग हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से रास्ता नहीं है, पत्थर पत्थर डले हुए हैं पूरे, तो उस साइड उधर कार खड़ी हुई है वो आगे से रास्ता है, तो चलते हैं वहीं उसी तरफ।